दो दिन यहाँ मतलब हमें दो दिन पहले हमें पता चला है कि यहाँ पे एक एसी एकेडमिक मीटिंग होने जा रहा है कन्वेंशन सेंटर में। इससे पहले क्या होता था, जब एसी मीटिंग होता था जो उसका एजेंडा है बाजाबता नोटिस दिया जाता था, बाजाबता एजेंडा दिया जाता था, 7 दिन पहले दिया जाता था और हम सब पढ़ के जाते थे, क्योंकि एसी मीटिंग में एक ऐसा पार्ट रहता था जिसमें हम जो स्टूडेंट के मुद्दे हैं हम उस पर बहस करते थे, हमें उसमें राइट होता था जाना और बैठना। लेकिन हम देखते हैं कि जब से नया यूनियन चुन के आया है तब से जिस तरीके से बाहर पूरे संस्थाओं को उछला जा रहा है, पूरे इंस्टीट्यूशनों पे अटैक किया जा रहा है मोदी सरकार से, उसी तरीके से जो वाइस चांसलर है यहाँ पर जगदीश कुमार, जो जेएनयू का तमाम डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, चाहे एकेडमिक काउंसिल हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो और अब जेएनयू एसयू, इन सब पर अटैक किया जा रहा है। एकेडमिक काउंसिल मीटिंग यहाँ पे इस तरीके से किया जा रहा है, वहां पे किसी का डिसीजन नोट किया नहीं जाता। हर तरीके की जो भी पॉलिसीज है, जो एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज है वो पास की जा रही है, और पिछले हमने देखा होगा पिछले 4 एकेडमिक काउंसिल मीटिंग कैसे हुए, और हम इस बार देखते हैं इस बार का जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है, इस बार ये एजेंडा लेके आए हैं कि हम यहाँ पर 300 फैकल्टी रिक्रूटमेंट करेंगे, और जो अभी जो 24 घंटे में जो बीजेपी सरकार इकोनॉमिक रिजर्वेशन लाई है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो जिस तरीके से बाहर बीजेपी सरकार पूरा आरक्षण के खिलाफ में है, तमाम आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वाइस चांसलर, अगर देखेंगे हम पिछले 2 साल का एडमिशन, यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन तो हुआ उसमें 1000 स्टूडेंट को बाहर रखा गया, अगर देखेंगे जो 17 और 18 का एडमिशन है उसमें देख लीजिए आपकी एससी एसटी और ओबीसी जो भी रिजर्वेशन दी गई थी उसको खत्म किया गया, हालांकि वो जो सीट्स है उनको जनरल में कन्वर्ट किया गया। आज हम जब इस एसी में आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं, कल का जो एसी मीटिंग होने वाला है हम यहाँ पे ऐलान करते हैं, और पूरा पूरे बाजाबता तरीके से जो वाइस चांसलर है, जो उसके दलाल है, सब लोगों को कहना चाहते हैं कि कल आप एसी मीटिंग करके दिखाइए। हम खाली बस यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि कल किसी भी तरीके से हम एसी मीटिंग को होने नहीं देंगे। जेएनयू में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, जेएनयू में जिस तरीके से ये वाइस चांसलर अपना डिक्टेटरशिप चला रहा है, हम बिल्कुल भी उसको नहीं मानेंगे, और हम कल से ये वादा करते हैं कि या तो यहाँ पे जगदीश कुमार रहेगा या तो यहाँ पे हम रहेंगे। पिछले 3 साल से जो जगदीश कुमार ने यहाँ पे किया है, तमाम जो यहाँ का एडमिशन पॉलिसी था जिसको हम प्रोग्रेस टू एडमिशन पॉलिसी कहते थे, जिसमें डेप्रिवेशन पॉइंट दिया जाता था, जिसमें जो दूर दराज इलाकों से लोग आते थे उनको कटाइल पॉइंट्स दिए जाते थे, जो महिला छात्र है उनको कटाइल पॉइंट्स दिए जाते थे, उसको खत्म किया गया। वो दूसरी तरफ से देखते हैं यहाँ पे एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का एक बॉडी होता था जिसको जीएस कैश कहते थे, उस जीएस कैश को खत्म किया गया, आईसीसी लाया गया। और दूसरे तीसरे तरीके से हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कितना फंड कट किया गया है, यहाँ पे अभी लाइब्रेरी में जो जेएनयू एक रिसर्च के लिए माना जाता था, एक एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए माना जाता था, उस पर अटैक किया जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं ये लोग कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुम लाइब्रेरी में क्यों जा रहे हो, लाइब्रेरी का रीडिंग रूम बंद किया जाता है, वहां पे किताब लेने से मना कर दिया जाता है, और जो लाइब्रेरी के बड़े बड़े जर्नल है उनको बंद कर दिया जाता है, और उसी अगर साइड में देखेंगे तो स्टैचू बनाया जाता है, तीसरे साइड से देखेंगे तो रोडों पे बड़े बड़े नाम बनाए जा रहे हैं, चौथी तरफ से देखेंगे तो जो जगदीश कुमार जिस बिग पैलेस में खुद रह रहे हैं वहां पे लाइट लगाया जाता है क्योंकि उनको इवनिंग वॉक करने में कोई तकलीफ न हो, वो लगाया जा रहा है। अगर आपको इन सब चीजों के लिए पैसे है तो क्या आपको बाकी चीजों के लिए पैसे नहीं है? क्या आपके लिए उसी वक्त फंड कट होता है जब किसी सेंटर में कॉन्फ्रेंस करना होता है? क्या आपके लिए उसी वक्त फंड कट होता है जब किसी सेंटर के जो चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको बाहर जाना होता है फील्ड वर्क पे, आप उसी वक्त उनका फंड खत्म कर देते हैं? इससे हमें यही सामने एक चीज आता है कि ये चाहते हैं कि हम लोग पढ़े ना, ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी किताब खोले ना। और जिस तरीके का आरएसएस का फरमान है, जिस तरीके का पूरा संघी विचारधारा है जिसको सवाल करने से ही नफरत, वो इस कैंपस में बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी कैंपस का एक छात्र था नजीब अहमद, उसको गायब किया जाता है, और एबीवीपी के स्टूडेंट खुलेआम माही मंडी हॉस्टल में दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, मार पिटाई करते हैं, और वहां पे ये धमकी देते हैं कि इस लड़के को आप हमारे हवाले कर दीजिए और हम जानते हैं हम इसके साथ क्या करेंगे।
हम किसी लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं करते, हमारे सामने वहां पे कहा गया। और जब हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया नजीब अहमद के लिए, जब हम पहले तो एसएचओ एफआईआर मानने को तैयार नहीं था, उसके बाद जब हम सीबीआई गए, बाकी जगहों पे गए, तो कोई भी जो भी संस्था है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जिन पे ये बाइंडिंग बनता था कि नजीब अहमद का पता बताए वो कहां पर है, वो फेल हुए उसमें। और हम देखते हैं उसी वक्त इस वाइस चांसलर का चेहरा, जो एबीपी जो गुंडे थे उनको शील्ड किया गया, उनका डिसिप्लिनरी एक्शन क्या था, किसी का हॉस्टल ट्रांसफर इस हॉस्टल से इस हॉस्टल किया गया और कुछ भी नहीं। और उसी साइड में हम देखते हैं जो उस टाइम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें नजीब अहमद का पता बताए वो कहां पर है, और वो इस कैंपस के स्टूडेंट थे, हमें वो कैंपस में वापस चाहिए, उन एक्टिविस्ट पे फाइन किया जाता है, उनके हॉस्टल ट्रांसफर किए जाते हैं, उन पे इंक्वायरी चलाया जाता है। ये क्या दर्शाता है हमको, जिस तरीके से बाहर मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों पर अटैक किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे जो विश्वविद्यालय है इनमें अटैक किया जा रहा है। एक तरीके से जो बाहर का फिजिकल अटैक है, जिस तरीके से बाहर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, जो गरीब है उनके पेटों पे लाख मारा जा रहा है, जीएसटी लाया जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन लाया जा रहा है, ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही है।